न्यू संजय नगर कॉलोनी में छत से गिरने से हुई 4 साल की मासूम की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। पूर्वी दिल्ली के ओल्ड अनारकली में दिन दहाड़े घर में हुई चोरी, परिवार पर स्प्रे छिड़क कर ले उड़े सामान, पुलिस की कार्रवाई से नाखुश पीड़ित परिवार। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में महिला के लापता होने का मामला आया सामने, घर से सब्जी खरीदने निकली थी महिला। सीएनजी के दाम बढ़ने से जनता परेशान, ऑटो चालकों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जताई है नाराजगी। और पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में महिला ने फांसी लगाकर दी जान, पति से कहा सुनी होने पर लगाई फांसी, जांच कर रही है पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के न्यू संजय अमर कॉलोनी में एक 4 साल की बच्ची की छत से गिरने से मौत हो गई है। जब बच्ची छत से गिरी तो उसे जख्मी हालत में तुरंत हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे तुरंत GTB अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां से उसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने के चक्कर में बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। बच्ची थी, गांव जाने वाले थे हम लोग, कपड़े लत्ता खरीद के लाए थे उसके लिए, तो बड़ी वाली लड़की है, एक छोटी थी जो एक्सपायर हुई है, तो बड़ी वाली के कपड़े उन्हें पहन लिया, बड़ा था फ्रॉक। अब वो बाहर पर के वहाँ पर डांस करने घूमने लगी छत के ऊपर, अब उसका फ्रॉक पड़ गया नीचे, पैर में पड़ गया, अब वो नीचे आ गई। यहाँ पर नीचे आने के में सर में चोट लगा, फिर वहाँ से 2-4 आदमी थे लेकर भागे हेडगवार में, हेडगवार गए तो वहाँ से तुरंत ही रेफर कर दिया GTB के लिए। वहाँ गए, जाने के बाद वहाँ पे कोई उपचार नहीं मिला हमको, वहाँ पे बहुत इधर उधर धक्का खाए, लेकिन कह रहे हैं CT scan ख़राब है, बेड नहीं खाली है, यह है। 1.5-2 घंटे वहाँ लगा दिए और मुँह से ब्लड बार बार आ रहा है, किसी ने नहीं सुना। फिर हमने बोला कि फिर क्या करो बताओ, हम लोग गुस्सा हुआ वहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो तुरंत कह रहे हैं कि मैं रेफ़र कर रहा हूँ राम मनोहर लोहिया के लिए। उन्होंने कहा आप लिख के दो, प्रमाणित दो और अपना डॉक्टर भी दो, और क्या नाम अपना ये एम्बुलेंस भी तो चाहिए एमरजेंसी केस है तो। लेकिन सुना किसी ने नहीं, कह रहे हैं कि यहाँ से एम्बुलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आप तुरंत लेके जाओ, बच्ची को बचाना चाहते हो। ये बच्ची खेलते खेलते छत से नीचे गिरी है, ये हॉस्पिटल हेडगवार ले गए, वहाँ से फिर उन्होंने मना कर दिया कि भाई यहाँ इलाज नहीं होगा, GTB रेफर कर दिया। लेकिन GTB हॉस्पिटल जो जमुना पार के ही नहीं दिल्ली के बड़े अस्पतालों में जिसका नाम शामिल है, उसमें इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक हुई कि उन्होंने बजाय उस बच्ची का कोई फर्स्ट एड नहीं दी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, ना उसे कोई एम्बुलेंस मुहैया कराई दूसरे अस्पताल जाने के लिए, और वहाँ परिवार धक्के खाता रहा। ये आज दिल्ली के अस्पतालों की अगर पोल खुलती है और सरकार की नाकामी अगर कहीं दिखाई देती है, तो इस बच्ची की घटना और दुर्घटना में जो मौत हुई है, ये वास्तव में दिखाई देती है अस्पताल की लापरवाही और डॉक्टरों की लापरवाही। क्योंकि GTB अस्पताल ने कोई एम्बुलेंस ही मुहैया नहीं कराई, उसके बाद उसको रेफर कर दिया है राम मनोहर लोहिया के लिए। राम मनोहर लोहिया में भी जाने में लगभग 2 घंटे लगे, ट्रैफिक दिल्ली का आप देख भी सकते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस से ये वहाँ लेकर भी गए राम मनोहर लोहिया में। वहाँ उन्होंने आनंद फानंद में जिस प्रकार से भी कहा, डॉक्टरों का भी कहना यही था वहाँ पर कि आपने यहाँ लाने में देर। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो घर के खाली होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि परिवार के घर में मौजूद होते हुए भी चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। ताज़ा मामला ओल्ड अनारकली की गली नंबर 4 के एक घर का है, जहां चोरों ने परिवार के सभी लोगों पर स्प्रे छिड़क कर उनको बेहोश कर दिया और घर से 3 स्मार्टफोन, 30,000 नकद और महिला के गले से चेन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। चोरों ने घर में खड़ी बाइक को भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो घर में मौजूद लोगों के साथ भी वारदात करने से
चूकते नहीं हैं। फिलहाल मामला है अनारकली का, जहां पे गली नंबर 4 के एक मकान में चोर इस कदर चढ़े हैं, आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर कुछ निशान हैं उनके हाथों के, उनके पैरों के, जिसके सहारे वो चोर यहां पर घर के अंदर उन्होंने एंट्री की है और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात सुबह तकरीबन 5 बजे की है, जब घर उस वक्त घर में सभी लोग मौजूद थे। आपको मिलवाना चाहूंगी पीड़ित परिवार से जिनके साथ ये वारदात हुई है, और तकरीबन घर से ज्वेलरी, कैश और स्मार्टफोन तक वो चोर जो है चुरा के लेके गए हैं। सीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है जिसके सहारे चोरों ने घर के अंदर एंट्री की है और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि सीसीटीवी में सारी फुटेज आ चुकी है, चोर उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं नाखुश करती है परिवार को, क्योंकि परिवार का कहना है कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे कहीं भी वो लोग संतुष्ट नहीं है, नाखुश हैं उसकी कार्रवाई से। मैं इधर सोई हुई थी, सब बच्चे इधर सोए हुए थे, ये इधर सो रहे थे, अब पता नहीं चला हमें उन्होंने क्या बेहोश किया, हमें क्या किया, और मेरे गले से चैन निकाल ली, अंगूठी थी मेरे हाथ में उंगली में वो भी निकाल ली, इधर 3 स्मार्टफोन रखे थे वो भी निकाल ले, इन्होंने सैलरी ला के रखी हुई थी, कुछ पैसे यहाँ रखे हुए थे, कुछ पर्स में रखे हुए थे, यहाँ रखा हुआ था पर्स, वो पूरा पर्स खाली करके और यहाँ पैक के चले गए, और बच्चों के सारे कपड़े मतलब सब चेक किए इनकी पॉकेट की, इनके अंदर कुछ पैसे वैसे हैं तो सब निकाल उकाल के सब यहाँ कपड़े भी सारे फेंक के चले गए दरवाजे पर। अब ये उठा इतने, उन्होंने बाइक निकालने की कोशिश की है, इतने ये बच्चा उठ गया, और ये उठ के मम्मी पानी मांगा इसने, उन्हें मैंने पानी दिया, मैंने पानी पी लो, इतने इसने देखा मम्मी ये कपड़े कैसे पड़े थे, मैंने कह रही पता नहीं कैसे पड़े हैं ये कपड़े यहाँ पे, अब उठ के देखा हमने इतने, तो वो मतलब भाग गए बाइक छोड़ के, बेहोशी हालत में कर दिया गया था। और क्या कहते हैं, हमने देखा जब उठ के तो आँखों में हमारे जलन इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा, और हमारे गला भी एकदम बंद हो गया था, हम उठ नहीं पाए, हमने कोशिश की, जैसे देखा हमने उठ के तो वहाँ पे सारा हमारा सामान बिखरा पड़ा था। कैश गया है कोई 19-20 हज़ार के करीब। मैं परसों ही सैलरी लेके आया हूँ अपनी, परसों सैलरी ला के रखी है, और क्या कहते हैं मिसी जी के गले में चैन थी, अंगूठी थी, और 3 हमारे स्मार्टफोन है जो 2 बेटों के थे, 1 मेरा था। इसकी कार्रवाई के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर लेकिन मैंने उनसे पर्सनली कहा कि हमारे इधर फिंगरप्रिंट के निशान आ रहे हैं, आप इसको फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए करिए, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि जो होना था वो हो गया और फिंगरप्रिंट का कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ये फुट मार्क्स भी हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको इग्नोर कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा सामान बिखरा हुआ था, तो मैंने कहा सर इसका आप कुछ प्रूफ ले लीजिए, तो उन्होंने कहा ये कुछ जो होना था वो हो गया है। पूर्वी दिल्ली के पुराना सीलमपुर में रहने वाली 9वीं क्लास की छात्रा 14 मार्च से लापता है। परिजनों का कहना है कि छात्रा घर से अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस लौटकर नहीं आई। परिजनों ने आसपास में काफ़ी ढूंढा, लेकिन छात्रा का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने थाना कृष्णनगर में FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक छात्रा का पता नहीं चल पाया है। साथ ही परिजनों ने यह भी कहा कि पुलिस कार्रवाई सख्ती से नहीं कर सक रही है, जिसकी वजह से छात्रा का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ हमारे घर से वहाँ के चली गई सहेली के, और वहीं से जुमेरात का दिन था, और वहीं से पता ही नहीं रहा कि कहाँ गई कहाँ नहीं, वो कह रही कि हमें भी नहीं पता, नंबर भी उनने दिया सब कुछ, और बस वहीं से पता नहीं। अब फोन रखती थी लड़की, फोन भी उसने बताया कि हाँ फोन रखती थी लड़की, अब फोन का भी हमें कुछ नहीं पता, नंबर भी उसने दिया। हमने पुलिस में FIR कराई, सब कुछ सबूत दे दिए, नंबर वंबर, और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही कार्रवाई, बस यूँ कह रही कि कर रहे हैं। उसे लगता है पुलिस को कि अपनी मर्जी से गई लड़की, अब किसको बताएं, हमें तो कुछ भी नहीं पता क्या नाम, किस पे शक किया जाए। वहीं गुमशुदगी का एक और मामला कल्याणपुरी से सामने आया है। यहाँ रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला पिछले 3 दिन से लापता है। परिजनों का कहना है कि वह शाम को सब्जी लेने के लिए मार्केट गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद उसको सब्जी मंडी और आसपास के इलाकों में तलाशा भी गया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ये मेरी सिस्टर है, वो 2 दिन से लापता है, और हमने पुलिस कंप्लेंट करवाई है, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ठीक है, ये लापता क्या है कि हमारे पास ऐसे 2 दिन पहले ना ये यहाँ से घर बिना बताए घर से चली गई है, और हो सकता है हमें अभी इस बात का शक है, हमें एक आदमी मिला तो सब्जी लेने गई थी, वहाँ से इसको उठाया गया है, हमें ऐसी सूचना मिली है। हमने पुलिस में वेरिफिकेशन कराई है, उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया।
हमें किसी बात का कोई ना पुलिस वालों ने कोई विजिट करी, ना कोई किसी बात का कोई हमें से सूचना दी गई, ना कुछ किया गया। पूर्वी दिल्ली के सीएनजी पंप पर मौजूद लोगों ने सीएनजी के दाम बढ़ने पर निराशा जाहिर की है। लोगों का कहना है कि दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट पर काफ़ी असर पड़ रहा है। पहले पेट्रोल महंगा था, अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। वहीं ग्रामीण सेवा चालकों का कहना है कि किराया बढ़ता नहीं है, सीएनजी के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। मेरे ख्याल से कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, एक रुपया बढ़ा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन तो बहुत सस्ती है, वो एक रुपया बढ़ा है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। सवारी तो उतने ही पैसे देगी, हमारे पैसे बढ़ के थोड़ी ना देगी, तो गैस पे ही पैसे बढ़े, इससे नुकसान ही है हमारा। या तो अगर रेट बढ़ा रहे हैं तो किराया भी बढ़ाओ। लगभग 2.5-3 रुपये तो बढ़े हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है, और बाकी माल महंगा करते हैं तो मार्केट में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। तो ग्राहक कहता है भाई एकदम रेट बढ़ा रहे हो, अब हम भी कहाँ जाएं, हम बढ़ा ही नहीं पाते मैडम। सरकार या तो एक मतलब कह सकते हैं ना कि एक जेन्युइन रेट तय कर दे कि भाई अगर सीएनजी के रेट बढ़ेंगे तो आप इतने रेट बढ़ा सकते हो। बढ़ेंगे ही मैम, इस हिसाब से तो बढ़ ही रहे हैं, लगातार देख ही रहे हो आप। बीच में चुनावों के चलते तो इन्होंने सस्ता करा था, अब दोबारा जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद फिर वही रेट आ जाएंगे। नुकसान तो होएगा जी, एक रुपया बढ़ाए तो इससे भी नुकसान ही होएगा। क्या असर पड़ेगा इस काम पे, कुछ असर पड़ेगा इसका? काम जी वैसे ही मंद है, उसके बाद असर तो पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो चालक भी नाराज हैं। ऑटो चालकों के मुताबिक सीएनजी के दाम बढ़ने से उन पर महंगाई की दोरी मार पड़ रही है। एक तरफ पहले से ही ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज की वजह से ऑटो चालकों का काम ठप पड़ा हुआ था, ऐसे में सीएनजी के दाम बढ़ने से मुश्किल और बढ़ गई है। ऑटो चालकों ने सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि ऑटो का किराया बढ़ेगा, लेकिन ऑटो का किराया तो बढ़ा नहीं, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। जी, सीएनजी के दाम तो 1 रुपया बढ़ा दिए, पर वो 1 तारीख को बता रहे थे मतलब बढ़ेगा किराया, अभी तक बढ़ा ही नहीं। किराया भरना चाहिए, और क्या चाहते हैं, किराया भरना चाहिए, और केजरीवाल जी को थोड़ा सा आना चाहिए इसमें, मजदूर लोग को थोड़ा सुनना चाहिए उनको। मैडम जी बात यह है, ये सरकार बिल्कुल जुमलेबाज है, ऑटो वालों को बिल्कुल अपने क्या नाम है अंधेरे में रखी है। इसने तो ये कहा था कि ये स्टैंड दूंगा, स्टैंड तक नहीं दिया, ये किराया क्या बढ़ाएगा। तो बार बार आज इनकी जो गठबंधन हो रही है, ये ऑटो वालों की देन है जो गठबंधन हो रही है। अगर ऑटो वाले की आवाज़ इतनी तगड़ी नहीं होती तो आज इनका गठबंधन नहीं होता। भुखमरी कगार पर रहे ऑटो वाले, इस टाइम किराया निकालना ही बड़ा मुश्किल हो गया है, तो किराया मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए। जो केजरीवाल जी की सरकार है ना, ये सपने दिखाती है ऑटो वालों को। और 2014 के अंदर जब चुनाव आए थे, 2015 के अंदर जितने ऑटो वालों ने इनका प्रचार करा, एक उम्मीद जागी थी, मगर उम्मीद क्या जागी, इन्होंने जो भी बेड़ा कर करना था ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों को वो कर बैठे। हम किराए का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सरकार से ये कह रहे थे भाई हमें 20 रुपये ना सीएनजी सस्ती दे दो, और जो ओला उबर की टैक्सियाँ हैं उनका कानून बनाओ, और क्या नाम है दिल्ली के अंदर रोक लगाओ अदर स्टेट की टैक्सियों की, और जो ई रिक्शा चल रहे हैं उनकी पॉलिसी बनाओ। अब 3 मुद्दों के ऊपर केजरीवाल हमारे सामने बात करके राजी नहीं है, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ केजरीवाल जी को, अगर केजरीवाल जी की सरकार के अंदर जरा सी भी शर्म या हिम्मत है तो भारतीय मजदूर संघ के आगे वो बैठ के बात करें। पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी के ई ब्लॉक में रहने वाले 26 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतका के पति रामकिशन और उसके बीच खाना खाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसकी वजह से महिला ने गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। रात को भाई आए थे, थोड़ा खाने पीने के चक्कर में उनसे बहस हुई थी, तो पति पत्नी की, हाँ जी, तो उस वजह से नाराज हो गई थी। फिर क्या हुआ? फिर सुबह के टाइम में भाई तो अंदर सो गए थे, उनको पता नहीं, सुबह के टाइम में उन्होंने फांसी लगाई। उन्हीं के घर पे गए थे रात को, थोड़ा झगड़ा हो गया था, फिर आके खाने पीने की। झगड़ा पहले हो गया था? नहीं नहीं, उधर से आए थे ना रात को। अच्छा, खाना खा के आए थे? हाँ। कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ दिनों से मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी, लड़के की तबीयत खराब थी, पूरे 2 महीने से सो नहीं पा रही थी रात रात। नाराज कुछ नहीं था, वो रात को खाना खा गया था, सवाल गया था, मैं खाना खा गया था, उसके वजह से घर रोज खाना खराब हो जाता है, तुम सुनते नहीं हो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, तेरी बहन ने खाना खिलाया मेरे को, तो पूछ ले, तेरे भाई के साथ ही खा के आया हूँ मैं। मैंने उनकी फ़ोन में बात कराई, इतने मैं सो गया हूँ, उनकी काफ़ी देर तक बात होती रही है, उसके बाद मुझे पता नहीं मैं सो गया, बच्चे सो रहे थे वो भी आके सो गए, रात को पता नहीं किस टाइम उठ के चली गई है, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ।
स्कूल की बड़ी फीस से पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। पेरेंट्स ने कहा कि हर स्कूल मनमानी करता है और बड़ी हुई फीस लेता है। वहीं उन्होंने सरकार को भी कोसते हुए कहा कि सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसे दावे करती है, जबकि स्कूल अपनी मनमानी करती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल का कहना है कि बच्चों के को स्कूल में सभी सुविधाएं दी जाती हैं, कोई काम बिना पैसे के नहीं होता है, इसलिए फीस लेना तो कोई गलत काम नहीं है। और फीस की वजह से ही मैंने अपने बेटे को भारतीय विद्या भवन से थोड़ा इधर को कराया, वहाँ उन्होंने जैसे भी 9th में कराया तो बस का इंक्लूड करके 1,00,000 से ज़्यादा जा रहा है एक साल का। और बताओ इतने में बिटिया का जा रहा है 1,06,000 और इसका जा रहा है 1,10,000 लगभग जाएगा। ना फैसिलिटी किसी चीज़ की, अभी एडमिशन लेने जाऊँ पहले तो कहेंगे जगह ही नहीं है, और बैक डोर से फिर दाएं बाएं से सिफारिश लगाओ तो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अगर आपको टीचर्स को फुल सैलरी देनी है, 7th पे कमीशन देना है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, बच्चों को स्कूल की हर सुविधा देनी है, बेस्ट लैब्स हों, लाइब्रेरी हो, इक्विपमेंट हो लैब्स में, लैंग्वेज लैब्स हों, वोकेशनल कोर्सेज चलते हों, हर स्ट्रीम स्कूल में चलती हो, तो क्या दिल्ली सरकार से मेरा सवाल, क्या कोई भी काम बिना पैसे के हो सकता है? जो 30 साल पुराना स्कूल है जिसका एक एक टीचर 1,00,000-1,50,000 सैलरी ले रहा है, क्या वो बिना फी हाइक के पॉसिबल है? हो सकता है कहीं फ़र्क हो स्कूलों की अपनी अपनी पॉलिसीज़ में, पर बीइंग ए DAV हम लोग ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। जितना बच्चों से लेते हैं उतना ही पैसा बच्चों पर खर्च करते हैं, और जितनी सैलरी हम देते हैं वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से देते हैं। तो आज की डेट में फी हाइक बहुत बहुत ज़रूरी है। पूर्वी दिल्ली के सिख नेताओं ने एक ओंकार सतनाम पर डांस करने की आलोचना की है। सिख नेताओं ने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये किसी की सोची समझी साजिश है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बड़ी से गलती जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। राष्ट्रपति कोविंद जी वहाँ गए हैं तो वहाँ पर उन्होंने एक ओंकार सतनाम के नाम पर कोई गाना बनाकर उसको लगाकर उस पर डांस परफॉर्मेंस की है, तो ये एक शर्मनाक हरकत है। क्योंकि थोड़ा सा कल्चर का फ़र्क ये आ जाता है कि और धर्मों में हो सकता है कि उनके धार्मिक विचारों के समय या भजन कीर्तन के समय डांस होते हों, लेकिन जहाँ तक गुरु मर्यादा का सवाल है वहाँ पर बिल्कुल भी एक ओंकार सतनाम इस नाम पर कोई गाना भी नहीं बन सकता और ना इस नाम पर कोई भी डांस हो सकता है उस गाने के ऊपर। तो ये जो भी हुआ एक बेहूदगी है। सिख समुदाय के अंदर आज तक इस तरह से किसी भी तरह की कोई इजाज़त नहीं दी गई, इवन देन हम लोगों का कोई भी पार्ट हम किसी का दिखा नहीं सकते एज ए ह्यूमन बींग। तो जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ पर गए और इंडिया के प्रेसिडेंट के सामने इस तरह से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए थोड़ी सी शर्मनाक बात है। और इस चीज़ का विरोध पूरे ऑल ओवर जगत में हो रहा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम के लिए भी हम वार्न करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को भी, क्योंकि हमारे रिलीजियस के ऊपर ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं। और मैं इस चीज़ के लिए डिमांड भी करता हूँ कि प्लीज़ इस तरह की जो रिमूव कर दे, क्योंकि मुझे पता लगा है कि जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने अपने अकाउंट के ऊपर ये वाली वीडियो डाली है, तो ये हमारे को हर्ट करने वाली बात है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर विपिन बिहारी सिंह ने MCD स्कूलों से स्टूडेंट्स कम होने पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि MCD स्कूलों में दाखिले में कमी हुई है, हाँ ये हो सकता है कि प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हों। हमारा जो निगम का स्कूल है बहुत अच्छा स्कूल है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे टीचर भी सब बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने बराबर स्कूल में जो भी बच्चों के लिए सुविधा की चीज़ें होती है, आज देखेंगे हमारे स्कूलों में सुरक्षा के लिए CCTV लगाने का काम, सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था, पानी के लिए अच्छा प्याऊ का व्यवस्था, शौचालय अच्छा, हम लोग सारी व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा स्कूल है। लेकिन क्या है कि अब आप देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है,
लोगों की जो कमाई थी वो अच्छी हो रही है, लोग हर लोग का इनकम अच्छा हो गया। पहले इनकम किसी का 5,000 था, आज वो 10,000 कमाने लगा, जिसका 10,000 था वो 20,000 कमाने लगा, जिसका 20,000 था वो 40,000 कमाने लगा। तो हर लोगों की एक इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को निगम के स्कूल से, सरकारी स्कूल से और अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, तो उसके हिसाब से बच्चे को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दे रहे हैं लोग। इसलिए हमारे बच्चों के स्कूल में बच्चे की संख्या कम हो रही है, और प्राइवेट स्कूलों को जो गवर्नमेंट के, जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के द्वारा प्राइवेट स्कूलों की बढ़ावा मिल रही है, उनको सुविधा मिल रही है, इसलिए प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। कि अभी 10वीं क्लास में तुगलकाबाद में पेपर हो रहा था बोर्ड का, उसमें दूसरे बच्चे जाकर के एग्जाम दे रहे थे। ये दिल्ली सरकार की और सिसोदिया, मनीष सिसोदिया सरकार की, ये केजरीवाल सरकार की, ये शिक्षा का स्तर जो पहले कभी सुनने को मिलता था बिहार में, जब लालू जी का सरकार हुआ करता था तो दूसरे बच्चे जाके पेपर देते थे, वही भ्रष्टाचार और वही उसी तरह से काम आज दिल्ली सरकार में, केजरीवाल सरकार में हो रही है कि जो शिक्षा का स्तर इतना निम्न स्तर पर जा रहा है कि 10th के एग्जाम में दूसरे बच्चे जा करके पेपर दे रहे हैं। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।